हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्लस माइनस इंस्टीट्यूट। दिस क्वेश्चन इज़ फ्रॉम सीबीएसई बोर्ड 2024 सेट नंबर 311। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी तरह के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास ज़रूर शेयर कीजिए। क्वेश्चन सिंपल सा है, प्रूफ करना है बस। ठीक है, तो प्रूफ करना है तो सीधा हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चलते हैं। तो जितने भी ये प्रूफ वाले क्वेश्चन हैं वो हम ज़्यादातर कैसे करते हैं सोल्व? कोई आइडेंटिटी अगर डायरेक्टली अप्लाई नहीं हो रही तो हम क्या करते हैं, साइन और कोस में चेंज कर लेते हैं। तो फॉर्मूला तुमको सब याद रहना चाहिए, फॉर्मूला अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो टेन थीटा कैन बी रिटर्न एज साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, सबको साइन कोस में चेंज करेंगे तो नीचे वन माइनस कोर थीटा को क्या लिखेंगे, फिर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कोट थीटा को क्या लिखेंगे, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर वन माइनस टेन थीटा को क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। चलो तो सोल्व करेंगे, नीचे सोल्व करना पड़ेगा, ऊपर तो कुछ नहीं कर सकते, तो ऊपर का सेम लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा डिवाइड बाई, नीचे एलसीएम लेना पड़ेगा, दैट इज साइन थीटा। साइन थीटा जैसे ही एलसीएम लेंगे तो साइन थीटा मल्टीप्लाई वन से होगा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस साइन थीटा डिवाइड बाई साइन थीटा वन, वन को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे कोस थीटा प्लस ऊपर, यहाँ न्यूमरेटर सेम रहेगा, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा अपॉन वन माइनस, सॉरी वन माइनस नहीं, यहाँ तो एलसीएम लेना है, तो यहाँ के लिए हमको एलसीएम लेना पड़ेगा जो कि क्या आया, कोस थीटा। कोस थीटा वन से मल्टीप्लाई हुआ कोस थीटा माइनस कोस थीटा से डिवाइड हुआ, ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब उल्टा पुल्टा करेंगे ये फ्रैक्शन उल्टी पुल्टी यहाँ से। ठीक है, चलो करते हैं कैसे। तो ये है न्यूमरेटर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, मल्टीप्लाई करेंगे, साइन थीटा ऊपर जाएगा ये नीचे आ जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ठीक है, अच्छा प्लस सेम इसी तरह से यहाँ पे कर देंगे, तो ये है न्यूमरेटर कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, सोल्व करते जाएंगे बस, कोस थीटा ऊपर जाएगा या न्यूमरेटर, ये डेनोमिनेटर में आ जाएगा, कोस थीटा न्यूमरेटर में और कोस माइनस साइन डेनोमिनेटर में। ठीक है, करो सोल्व, साइन थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा क्या बना, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन नीचे क्या है, कोस थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा माइनस कोस थीटा। प्लस मल्टीप्लाई करो, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन, वेरी गुड, साथ साथ बोला करो, साइन थीटा इंटू क्या, कोस थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, बस अब आगे ये फ्रैक्शन को कैसे सोल्व करेंगे एलसीएम लेकर। एलसीएम लेने से पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ यहाँ पे, कलर चेंज करके ताकि समझ में आए। देखो यहाँ से एलसीएम जैसे हम लेंगे तो कोस थीटा आएगा, साइन थीटा आएगा, ये भी आएगा, ये भी आएगा, चार चार आ जाएंगे मल्टीप्लाई में, चार की जगह हम तीन कर सकते हैं क्योंकि ये साइन माइनस कोस है, कोस माइनस साइन है, तो हम यहाँ से माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे यहाँ से मैं माइनस कॉमन लूँगा ये माइनस बाहर आ जाएगा और इस इनका साइन चेंज हो जाएगा, कोस थीटा माइनस हो जाएगा, साइन का प्लस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये साइन माइनस कोस और ये साइन माइनस कोस सेम हो गया, तो अब एलसीएम अगर हम लेंगे तो क्या क्या आएगा, एक तो आएगा ये कोस थीटा, एक आएगा साइन थीटा और एक साइन माइनस कोस, जो कि दोनों जगह सेम है, साइन थीटा माइनस कोस थीटा। ये बात ध्यान रखना, ये माइनस ऊपर जाएगा। ठीक है, माइनस ऊपर चला जाएगा तो बीच में माइनस हो जाएगा। ठीक है, अच्छा तो अब देखो एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, तो इसके डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे, कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, साइन माइनस कोस थीटा कैंसिल हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा, साइन थीटा, साइन थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा, साइन क्यूब थीटा, साइन क्यूब थीटा। बीच में क्या बचा, बचेगा मैंने बताया, माइनस।
ठीक है। तो ये साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा कैंसिल, साइन थीटा साइन माइनस कोस कैंसिल, ओनली क्या बचा कोस थीटा, कोस थीटा ऊपर न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा कोस क्यूब थीटा। बस यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करना है, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ। फॉर्मूला कौन सा है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला क्या होता है, कन्फ्यूज मत होना, फॉर्मूला ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे सिंपल। चलो तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए बी की जगह है साइन थीटा कोस थीटा, तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर और कोस थीटा, साइन थीटा कोस थीटा, ठीक है। फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, जो कि क्या है ए माइनस बी, फिर ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए बी, ए स्क्वायर यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर यानी कि कोस स्क्वायर थीटा, ए बी यानी कि साइन थीटा कोस थीटा, डिवाइड बाई कोस थीटा साइन थीटा और साइन थीटा माइनस कोस थीटा। देखो कैंसिल हो रहा है बेटा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा हो गया कैंसिल, हो गया ना। बस आगे बिल्कुल कोई आसान का क्वेश्चन, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा होता है वन, प्लस साइन थीटा इंटू कोस थीटा, और डेनोमेटर में क्या बचा कोस थीटा साइन थीटा। बस अब क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डेनोमेटर तितर बितर, तो वन अपॉन कोस थीटा साइन थीटा और प्लस में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा कोस थीटा अपॉन में कोस थीटा साइन थीटा। वेरी गुड। अब ये यहाँ वन अपॉन कोस क्या आएगा बेटा, वन अपॉन कोस क्या होता है सेक थीटा, और वन अपॉन साइन क्या होता है कोसेक थीटा, प्लस ये तो पूरा कैंसिल ही हो जाएगा, क्या आएगा वन, जो कि एक्चुअल में है हमारी राइट हैंड साइड, देख लो ये है अपनी राइट हैंड साइड। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी तरह के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, तो सबसे पहला काम साइन कोस में चेंज करना, फिर यहाँ नीचे एलसीएम लिया यहाँ भी, ठीक है, फिर दोनों को उल्टा पुल्टा किया, ये साइन ऊपर जाएगा ये डेनोमेटर में आएगा, इसी तरह से, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर न्यूमरेटर में। अच्छा उसके बाद एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो ये वाला सेम करने के लिए यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे, वो माइनस यहाँ आके ये बीच में माइनस बना देगा, एलसीएम वाला सिस्टम सोल्व करेंगे। सोल्व करने के बाद ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा, ये कैंसिल हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर वन होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कर दो डेनोमेटर का, आंसर आ जाएगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।